हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है उन सभी लोगों के लिए जो एयर फोर्स एक्स वाई ग्रुप का फेज वन यानी रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं एंड आगे प्रिपरेशन करने वाले हैं फेज टू के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ अपने चैनल के माध्यम से टिप्स देना चाहता हूँ फेज टू के लिए। सो वंस अगेन हाय, मेरा नाम मनोज बघेल है और एम.बी. इंग्लिश अड्डा के नाम से जो चैनल है हम उसके माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं, राइट। तो देखिए, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो लोगों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम फेज टू को कैसे क्लियर करें। और जो हमारा जीडी सेशन रहता है, जीडी सेशन में राउंड वन रहता है जिसे हम पर्सनल इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, पर्सनल इंट्रोडक्शन को हमें किस तरह से फाइट करना है, कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए जिसके माध्यम से हम इजीली उनको फॉलो कर पाए एंड साथ में जो इंटरव्यूअर है उसे हम इम्प्रेस भी कर पाए। तो माय डियर फ्रेंड, आप बिल्कुल ध्यान रखें, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर हम पहले ही राउंड में अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाते तो डेफिनेटली हम इन हैं, अदरवाइज हमें आउट होना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स लिखा हाउ टू स्टार्ट इंट्रो। इंट्रो के लिए हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड का टाइम रहने वाला है एंड 30 सेकंड में जो पैनल होगा वो एक सेमी सर्कल पैनल होगा जिसमें करीब 15 से 17 स्टूडेंट्स यहाँ आपके सामने बैठे होंगे एंड यहाँ पे दो ऑफिसर्स होंगे जो आपको वॉच करेंगे, राइट। और आपका जो आई कॉन्टेक्ट रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चेस नंबर 1 पे बैठे हुए हैं तो आपका आई कॉन्टेक्ट इन लोगों से रहेगा और आप सिर्फ इन्हीं लोगों को देखेंगे, यहाँ ऑफिसर्स की तरफ आपको नहीं देखना है, राइट। तो अब बात करते हैं राउंड 1 में हमें शुरुआत कैसे करनी है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, हमें कुछ बेसिक आसान सिंपल स्टेप्स हैं जिनके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इंट्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं जो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है, जब आपका मौका आता है आप यहाँ बैठे हुए हैं तो ये सारे के सारे लोग अदर स्टेट से आए हुए हैं तो ये आपके लिए अनोन है तो आप इन्हें इंडिकेट करेंगे सबसे पहले हेलो एवरीवन बोल कर। तो जो साउंड आपका हेलो एवरीवन आने वाला है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग यहाँ पे विश कर सकते हैं, गुड आफ्टरनून विश कर सकते हैं, गुड इवनिंग विश कर सकते हैं, डिपेंड करेगा वहां टाइमिंग क्या होने वाला है, राइट। तो जब हम इतना विश करेंगे तो हमें थोड़ा सा पॉज चाहिए जिससे कि ये सारे के सारे कैंडिडेट आपको रिप्लाई कर पाए। जैसे ही रिप्लाई करते हैं देन वी विल स्टार्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जैसे हम लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ की बात करते हैं तो फिर हमें ध्यान में रखना है ये बेसिक स्टेप्स। तो 6 स्टेप्स में मैंने यहाँ पे आपके पर्सनल इंट्रोडक्शन को शामिल किया हुआ है और ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, बहुत ज्यादा क्वालिटी स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, राइट। तो पहला स्टेप आता है नेम, राइट। मैं एक बार आपको स्टेप्स काउंट करा देता हूँ, पहला नेम, देन लास्ट क्वालिफिकेशन, देन प्रेजेंटली, देन फैमिली, देन हॉबी एंड देन स्ट्रेंथ। ये सारे स्टेप्स हमें एज इट इज फॉलो करने हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर नाम की बात करेंगे तो नाम को हमें किस तरह से बताना है, तो आप बताइए यहाँ पे माय नेम इज दिस एंड आई हेल फ्रॉम आगरा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा जो भी हमारा शहर का नाम है हम उस शहर के नाम के साथ उत्तर प्रदेश जरूर बोले जिससे हमें क्लियर हो जाए कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब बात होती है यहाँ पे मैंने ब्लॉग यूज नहीं किया, ब्लॉग यूज ना कर पाने के पीछे एक कारण है, विशेष कारण है कि मैं देखता हूँ कि ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, आई के साथ ब्लॉग्स बोल देते हैं जो कि ग्रामेटिकल गलत हो जाता है, इंप्रेशन नेगेटिव चला जाता है। तो हमें सिंपल स्टेप आई हेल फ्रॉम के साथ बात करनी है, राइट। एंड सेकंड लास्ट क्वालिफिकेशन, तो लास्ट क्वालिफिकेशन को हमें बोलना है आई हैव कंप्लीटेड 10+2 यानी 10+2 फ्रॉम जो भी आपका बोल रहा है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड विद इतने परसेंटेज मार्क्स, ये आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आएगा प्रेजेंटली कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आपने 10+2 तो कर लिया, अभी आप जैसे ग्रेजुएशन में कुछ कर रहे हैं तो यहाँ बोलेंगे एंड नाउ, एंड करके हम सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे एंड नाउ आई एम डूइंग बीए, बीकॉम, बीएससी फ्रॉम अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, लाइक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, राइट। इसके बाद में बात करते हैं फैमिली, तो फैमिली में कभी भी हमें फादर मदर का नाम नहीं बताना होता, ज्यादा केसेस में स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि फादर मदर का नाम बताते हैं, बट सॉरी आपको फादर मदर का नाम नहीं बताना है, सिर्फ उनका प्रोफेशन बताना है जिससे आपकी फैमिली बैकग्राउंड का पता चल सके कि आप किस बैकग्राउंड से निकल के आए हो, कितना स्ट्रगल करके आए हो, राइट। तो यहाँ बताना है सिंपल, माय फादर इज अ फार्मर, जो भी आपके फादर है, राइट। एंड मदर के लिए हम बात करेंगे तो हमारे पास 2 स्टेप्स हैं, हाउसवाइफ एंड होममेकर। इसके अलावा और भी सारे वर्ड्स हो सकते हैं जैसे पायस लेडी, बट हम यहाँ बात कर लेते हैं माई मदर इज अ हाउसवाइफ या माई मदर इज अ होममेकर, ऐसा ना करें हाउसमेकर कर दें, वो भी गलत होना चाहिए, राइट। अब बात करते हैं सिबलिंग्स की, यानी आप कितने भाई बहन हैं। अगर मुझे मिला करके हम 4 लोग हैं, जैसे मेरे 2 भाई और 1 बहन है, तो मैं बोलूंगा वी आर 4 siblings, राइट। और उसमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि 1 भाई या 2 बहन है, इतने वर्ष से काम चलने वाला है।
एंड हॉबी की बात करते हैं। जब हम हॉबी की बात करेंगे तो यहाँ पे आई लव करके हम बात कर सकते हैं या फिर आई लाइक करके भी बात कर सकते हैं। तो आई लाइक टू नहीं बोलना है, आई लव टू नहीं बोलना है, या सिंपल हम बात करेंगे आई लव, और जिस चीज को आप पसंद करते हो उसमें आई एनजी लगा देना है। जैसे मैं खेलना पसंद करता हूँ सो आई लव प्लेइंग, मैं म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ आई लव एप्रिशिएटिंग म्यूजिक, मैं जाना पसंद करता हूँ मैं विजिट करना पसंद करता हूँ, ये जो भी वर्ब होगी उसमें आई एनजी लगा के हम बात करेंगे। और यहाँ आगे बोलेंगे व्हेनेवर आई गेट फ्री टाइम, जब कभी भी मुझे फ्री मौका मिलता है तो मैं ये करना पसंद करता हूँ। एंड बात करते हैं स्ट्रेंथ की, सो आई एम कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, चाहे तो और भी स्ट्रेंथ आप जोड़ सकते हैं, जैसे आई एम कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन विद हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कमिटेड टू माय वर्क। जबकि मैं अपने स्टूडेंट्स को कराता हूँ ये पूरा कराता हूँ, बट चूंकि ये बहुत ज्यादा ना हो जाए हर बच्चा शायद इसे नहीं बोल पाएगा, इसलिए मैं अपनी शॉर्ट कर रहा हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, एंड लास्ट में थैंक यू करके आप वहां कंक्लूड करेंगे। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन, इस चीज को, इस स्टेप्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो उसी के सामने बैठ के प्रैक्टिस कीजिए एक बार दो बार चार बार, और वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने वापस मैं बताता हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अगर पहला ही इंप्रेशन आपका अच्छा चला जाता है राउंड वन में तो डेफिनेटली क्या होने वाला, आप इन होने वाले हैं। एंड राउंड वन में जब ये बोलेंगे तो उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट और बोलना होता है, जो टॉपिक आपको दिया गया है उस टॉपिक के बारे में भी थोड़ा सा बताना होता है, बट इस वीडियो में मैं इतना ही कवर करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। तो आशा करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, और आई गारंटी कि ये स्टेप्स आप एनडीए के इंटरव्यू में, आप जो भी इंटरव्यू आपके सामने आता है आप उसमें फॉलो कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है एंड क्लियर है, राइट। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए एंड मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ में है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप उन बच्चों को शेयर कीजिए जो शायद अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जीडी की क्लासेस, जो शायद वहां तक नहीं जा पाते, उन बच्चों को ये शेयर कीजिए। एंड मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगा और आप इस वीडियो के माध्यम से अपना फेस टू फेस क्लियर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, एंड मेरा चैनल एंड लाइक करना पसंद लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट।